हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे परकिन रिएक्शन ऑब्लिक कंडेंसेशन। इसको कंडेंसेस कहीं कहीं पर आप देखते होंगे, इसको लिखा जाता है परकिन कंडेंसेशन और मोस्ट ऑफ द केसेस परकिन रिएक्शन लिखा जाएगा। तो एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर दी हुई है, देखिए एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में यहाँ पे लिया हुआ हमने बेंजल्डिहाइड को, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। इसका रिएक्शन जो है आपने ये इसका नाम सुना होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसको शॉर्ट में देखिए AC2O भी लिखते हैं। AC2O, AC मींस क्या होता है, एसिटिल, ठीक है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और एक इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिया, देखिए CH3COO-। आप इसको कहीं पर ये ऐसे भी दिया होगा, देखिए CH3COONA करके भी दिया होगा। तो इट मींस ये सॉल्ट जो है, अगर इसमें Na पॉजिटिव अगर इस तरह से निकल करके जब टूटेगा ये बाद में, तो CH3COO- होगा। तो जो CH3COO- होगा वो किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि वो कहीं से क्या ले सकता है, H+ अपनी ओर खींच सकता है। तो आपको मालूम होगा जो हमारी एसिड बेस की थ्योरी है, अगर ब्रॉनस्टेड की थ्योरी अगर आपको याद है, ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी, जिसमें H+ डोनर क्या होगा, एसिड, और H+ एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। तो CH3CO- अपनी ओर क्या इंटरेक्ट कर सकता है, H+ को, इसलिए बेस की। तो इट मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, और एक हमने उसका एनहाइड्राइड एक लिया हुआ, देखिए एसिडिक एनहाइड्राइड, उसी एसिडिक एनहाइड्राइड का ही एक हमने क्या ले रखा, बेस बना रखा, CH3CO है, उसी का एसिड, जो एसिड सॉल्ट होता है उसी पे नेगेटिव पार्ट जो है किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, ओके। अगर ऐसा आपको दिया है तो समझ लीजिए परकिन रिएक्शन आपको दिया है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है वो लास्ट में देखेंगे हम, पहले इसकी मैं मैकेनिज्म बताता हूं आपको कि किस तरह से इसमें स्टार्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे CH3COONA दिया है तो आप पहले ब्रेक कर लीजिएगा CH3COONA को CH3CO- और Na पॉजिटिव पे ब्रेक कर देना है। लेट मैं पूरा लिख देता हूं, कहीं कहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर इसमें हम क्या करें। जैसे यहाँ CH3COONA लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है कि आपको परकिन रिएक्शन की ही कंडीशन वहां पर दी गई है। पहले स्टेप में हम इसको ऐसे ले लेते हैं CH3COONA, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको मिलेगा CH3COO- + Na+, ओके। ये है आपका एसिटेट आयन, ठीक है। एसिटेट आयन जो है किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, क्योंकि ये आपका H+ ले सकता है किसी दूसरे कंपाउंड से। तो अब आप स्टेप वाइज हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, देखिए आप ये जो एसिटेट आयन है वो इससे आपको ट्रीट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को भी हम पूरा बना देंगे, देखिए नंबर सेकेंड स्टेप ले लेते हैं CH3C OO-, इसको पूरा बना दिया, क्लियर हो गया ना, इसको पूरा बना देते तो ऐसे हो गया CH3C OO ये वाला, और C OO यहां भी आ गया आपका क्या, CH3, क्लियर हो गया ना। ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, इसी के फुल फॉर्म ये बना, तो ये इसमें से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। देखिए H+ कहां पर से लेना आसान होगा, यहां पर तो इजी है, देखिए ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल में जो ये हाइड्रोजन है, दीज आर एक्टिव हाइड्रोजन, तो यहां पर दोनों में इक्विवेलेंट है। देखिए अगर हाँ, अगर ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड नहीं होता, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता, तो आपके पास में एक चॉइस हो सकती थी कि आप यहां से निकालें एच या यहां से निकालें। यहां पर फिलहाल कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आपको दिया गया है। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मीन्स बोथ साइड जो है ओ के बोथ साइड सेम तरह की कार्बन नंबर होंगी, तो वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, इसीलिए इसको हम एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका CH3CO, किसी भी एक जगह से देखिए इसको एक बार पूरा लिख लेते, चाहे इसको लें या इसको लें, इसी को ले लेते, देखिए इसमें मैं ऐसे लिख दे रहा हूं CH2H लिख देते हैं, ठीक हो गया ना, CH2H लिख देते। तो ये CH3CO-, इसमें से क्या ले लेगा आपका, H+ ले लेगा, ठीक है, H+ ले लेगा। तो ये वाला जो CH बॉन्ड है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके पास ही रहेंगे, आपके कार्बन के पास में, ठीक है ना। तो जैसे कार्बन के पास में रहेंगे तो यहां पर क्या चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COH, एक तो ये बन गया, और प्लस देखिए
यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ये बन गया आपका सी एच टू, दो डॉट यहाँ पे लग गए नेगेटिव, और सी डबल बॉन्ड ओ, बाकी अपनी जगह बना रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर है आपका क्या सी एस। ये एक तरह का देखिए कार्बन पर नेगेटिव है, ये कार्बेनाइन बन गया आपका कार्बेनाइन। ओके कार्बेनाइन है, तो ये कार्बेनाइन क्योंकि आपको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करनी है, तो ये जो कार्बेनाइन है निगेटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए अधिकतर केसेस में कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, यहाँ पे इसकी रिएक्शन अब आपकी जिसमें होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसको कि हमने यहाँ पर क्या लिया बेंजल्डिहाइड। तो थर्ड स्टेप ले लेते हैं, थर्ड स्टेप आया आपका बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना देते हैं, बेंजल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओके प्लस आपका आ जाएगा सी एच टू नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये आपका कार्बेनाइन आ गया। आप बहुत इजी रिएक्शन है, देखिए कार्बोनिल कार्बन जो सीओ, कार्बोनिल कार्बन में और ऑक्सीजन के बीच में देखिए जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा किसकी तरफ को, ऑक्सीजन की तरफ को, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस वन गेट पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव अभी दे रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीटली यहां एड होगा तो बॉन्ड भी शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो साइमल्टेनियसली ये जो नेगेटिव है वो यहां पे एड हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये नेगेटिव यहां एड होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये रिंग अपनी जगह पर बनी रहेगी, इसको कहीं शिफ्ट नहीं करना आपने। फिर आपका आ गया सी, ये हो जाएगा ओ नेगेटिव, यहां देखना नेगेटिव आ गया ना, यहां पे हो गया आपका एच, ओके उस ये वाला एच लगा दिया, फिर उसके बाद सी एच टू, ये सी एच टू आ गया, तो क्योंकि ये यहां शिफ्ट किया तो यहां पर जो पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो गए, तो उसके बाद आपके आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, ओके देन आप कंटिन्यू रख सकते हैं ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, ठीक है ना। नाउ अब क्या करना है आपको, जो यहां पे ऑक्सीजन में नेगेटिव है, देखिए यहां पे देख रहे हैं आप, इसकी रिएक्शन जो है आपने यहां से अगर स्टेप वाइज देखा तो यहां पर आपका क्या भी बना हुआ है, देखिए सी एस थ्री सी यूएच बना हुआ है ना, ये सी एस थ्री सी यूएच देखिए आपने लिया क्या था, सी एस थ्री सी ओ एन ए सिस्टम से लिया था, देखिए जो ये आपको दिया हुआ है बेस, जो बेस की तरह काम किया जिसने आए, या सॉल्ट ने सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव में किसकी तरह काम किया, बेस की तरह काम किया इसने, ठीक है ना। तो अभी ये सी एस थ्री सी ओ एच यहां पर है, सी एस थ्री सी ओ एच इससे रिएक्शन करेगा, आपको सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव वापस भी करना है, तो इसका रिएक्शन अब आपको करना है सी एस थ्री, फोर्थ स्टेप ले लेते हैं अगेन, ये बेंजीन रिंग यहां पर है सी ओ नेगेटिव, ओके एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ नाउ सी एस थ्री, पर आपने क्या किया सी एच थ्री, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं या ऐसा कर देते केवल एच पॉजिटिव लिख देते हैं यहां पर, ठीक है ना, एच पॉजिटिव लिख देते हैं, वो एच पॉजिटिव कहां से आया, यहां से आया, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख देते। देखिए रिएक्शन के दौरान आपको समझना है कि कोई चीज कहां से आई, अगर केवल यहां पर मैं लिखता एच पॉजिटिव तो आपको समझना है कि एच पॉजिटिव कहां से आया, सी एच थ्री सी ओ एच से, ये सी एच थ्री सी ओ एच है, ये एच पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, ओ नेगेटिव के पास में, तो यहां ये बन जाएगा सी ओ एच एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आपका आ गया सी एच थ्री, ठीक है ना। तो यहां तक आप पहुंच गए, नाउ फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो आपका यहां पर ये ओ एच बना हुआ है और यहां पर एच है, देखिए बगल में देखो ये C डबल बॉन्ड है, बगल में यहां पर सी एच टू लगा हुआ है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन है यहां पर के, ये हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, देखिए बगल में जो है कार्बोनिल है, कार्बोनिल के बगल में कभी भी हाइड्रोजन अगर है, कार्बोनिल के बगल में अगर कार्बन है और उससे लगे हुए हाइड्रोजन है, तो दे आर वेरी रिएक्टिव, एक्टिव हाइड्रोजन उनको बोलते हैं, वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कैसे, एक्चुअली होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ जब शिफ्ट होता है तो जो कार्बन में पॉजिटिव आते हैं तो ये कार्बन क्या करता है, बगल में से जो है हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है,
जब ये इसमें पॉजिटिव आता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेता है, तो उससे एच जो है एज एच पॉजिटिव वापस से क्या हो सकता है, आउट हो सकता है। तो इसको हम यहीं से लेके जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां से बना दे रहा हूं आपको, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा। यहां पे हम ऐसे करते हैं, ये लेके गए, ठीक है ना। तो यहां जो आपका OH है, ये OH और ये H पॉजिटिव, देखो ये मिलकर के क्या करते हैं, वाटर आउट करते हैं। देखिए ये OH माइनस यहां से आउट होगा और ये H प्लस आउट होगा, क्लियर। ये H प्लस, जब ये OH माइनस यहां आउट होगा तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे, माइनस H2O। ओके, तो यहां क्या बन जाएगा, देखिए अब बेंजीन रिंग यहां पे है, अपनी जगह बनी रहेगी। सी एच ओ एच तो निकल गया, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां क्या बचा आपका, सी एच, फिर अगेन सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आपका क्या आया, ओ, फिर आपका आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, देन सी एच थ्री, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, देखिए जो आपने ये वाटर यहां पर आउट किया है, इसी वाटर का यूज करना है दोबारा से। इस वाटर का जब यूज करेंगे तो यहां से होगा हाइड्रोलाइसिस, ये है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में वाटर का आप ऐड करेंगे, देखिए कहां पर बॉन्ड टूटेगा, यहां पे देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड देखिए होता ये है, पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करता है, तो इसमें पॉजिटिव आता है, तो जैसे इसमें पॉजिटिव आता है ये वाला बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, यहां पर शिफ्ट करेगा, तो यहां पर प्लस आएगा, प्लस से वाटर का OH जुड़ जाएगा, और जो वाटर का H प्लस होगा वो किसके पास चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। तो एक तो बनेगा देखिए CH3C, यहां पे लिखा है OH, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, यानी कि एक बन गया आपका एसिटिक एसिड, प्लस जो बचा हुआ पार्ट है वो ये है बेंजीन रिंग सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड हो ओ एच, ये है मेन प्रोडक्ट आपका। सो ये वाला प्रोडक्ट है, दिस वन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द पर्किन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड इसको बोलते हैं, क्या, सिनेमिक एसिड। और देखिए आप अगर इसको पूरा आप एनालाइज करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया क्या, बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड ये रहेगा, ठीक है ना। सिनेमिक एसिड क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। तो ये पूरा मैंने क्या बताया आपको, पर्किन रिएक्शन। देखिए इसका प्रोडक्ट, अब आपको प्रोडक्ट को एनालाइज करना, देखिए कैसे होगा, जब कंडीशन इस तरह से आपको मिलेगी पर्किन में कि कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया होगा आपको, बेंजल्डिहाइड, मोस्ट ऑफ द केसेस में बेंजल्डिहाइड का यूज किया हुआ मिलेगा आपको, जो भी रिएक्शन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको दी होगी, तो उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर रिएक्शन दिया है तो प्रोडक्ट को कैसे आपको देखना है। देखिए जो ये CH3CO ग्रुप दिया हुआ है, अगर इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, यहां पर देखिए इसको लिख दे रहा हूं, जिससे कि प्रोडक्ट आप तुरंत कैसे पता लगाएं, C6H5 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो, डबल बॉन्ड O H, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अब इस पर रिएक्शन आपको किसकी करनी है, CH3COOCO, ऐसे लिख दे रहे हैं CH3, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे होता क्या, देखो ये H2 जो यहां पर H2, इसको ऐसे लिख देते हैं आप, वही चीज है, आपने H2O ऐसे आउट कर देना, देखो ये H2 आउट किया, इसका यूज हो जाएगा यहां पर, H2O का यूज यहां करोगे तभी ऐसे बनेगा। तो ये जो C6H5CH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ पे CH आ गया, ठीक है ना, ये डायरेक्ट यहां जुड़ गया, COO यहां से तोड़ देना, यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, देखिए देखिए मैंने तुरंत क्विक के लिए है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कि पर्किन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी मैकेनिज्म अगर आप बनाएंगे तो दैट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग,
और आपके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि समय लिमिटेड रहता है तो आपको तुरंत ऑप्शन अगर वहां पर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी उनको करना होता है। तो उसके लिए देखिए, पहले आपको पूरा डिटेल समझना होता है, फिर शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। C6H5CH है, डबल बॉन्ड O है, O और ये H मिलकर तो H2O हो जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH हो गया देखिए, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH। देखिए प्रोडक्ट यही होगा, आप इसको देखो और इसको मिला लीजिए, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है ना। बाकी साइड प्रोडक्ट आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एसिटिक एसिड बना हुआ है वो यहाँ भी बना हुआ है, क्लियर हो गया ना। जो भी आपको बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है, बेंजाल्डिहाइड के साथ में यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में आपको क्या बना देना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना देना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, और अगर बेंजाल्डिहाइड दिया है और एसिडिक एनहाइड्राइड दिया तो फिर तो सिनेमिक एसिड भी वहां पर दिया जा सकता है, ठीक है ना। सिनेमिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आपको मिलेगा वहां पर, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आप एक बार और देखिएगा। ओके, दैट्स ऑल पार्किंग रिएक्शन, थैंक यू वेरी मच।